फिल्म पीके के आसपास फिल्म रिलीज करने से डर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। आमिर की फिल्म के आसपास कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को रिलीज करने की नहीं कर पा रहा है हिम्मत। सारे प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्म कर दी है 2 हफ्तों से भी आगे पोस्टपोन। अब खबर जरा डिटेल में। जब से पीके की रिलीज डेट अनाउंस हुई है, तब से देयर हैज बीन अ टसल बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड हिरानी कि कौन पीके के आसपास फिल्म रिलीज करेगा। सबसे पहला विकेट डाउन हुआ बॉम्बे वेलवेट का। उसके साथ इतनी बड़ी आर्गुमेंट के बाद फाइनली बॉम्बे वेलवेट खुद तैयार नहीं थी और मई 2015 तक पोस्टपोन हो गए। लेकिन सिर्फ यही फिल्म पीछे नहीं हटी। लाइन में काफी फिल्म्स हैं जो पीके की रिलीज के या तो 2 हफ्ते पहले अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं या फिर 2 हफ्ते बाद। सबसे पहले तेवर गॉट इट्स रिलीज डेट पोस्टपोन फ्रॉम 5th दिसंबर टू 9 जनवरी। वैसे भी न्यू कमर्स अर्जुन और सोनाक्षी आमिर को किसी भी रूप में टक्कर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, टी सीरीज की अभिषेक बच्चन, आसन स्टार और ऑल इज वेल ने सबसे पहले 5th दिसंबर का स्लॉट ले लिया और उसके बाद धर्मा की उंगली और ईरोस इंटरनेशनल भी अपनी अनटाइटल्ड फिल्म एक्शन जैक्सन 5th दिसंबर रिलीज करने की सोच रहे हैं। यहां तक कि सैफ अली खान और इलियाना रिक्रूज की हैप्पी एंडिंग अब रिलीज होगी नवंबर 21 को, जो पहले 5th दिसंबर रिलीज होने वाली थी। लग तो यही रहा है कि पीके के आसपास कोई भी फिल्म नहीं आना चाहती। 1 हफ्ते पहले भी रिलीज करके प्रोड्यूसर्स को पता है कि पीके के साथ उनकी फिल्म्स कंप्लीटली वॉश आउट होंगे। फॉर एलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।